बाकी आज गांव में खुशियां ही खुशियां हैं। आज 3 दिन खुशियां हैं भाई गांव में। और वो है ना कैसे ठीक है अच्छे बिल्कुल। देख लो भाई माँ भी आगे कहा सभी लोग मिलकर अरसे बना रहे हैं भाई। हो तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश कुमार और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव भदाणी ताल से। तो चलिए जी आपसे करेंगे कुछ बात, तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो भाई काफी दिनों से मेरे घर से हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आज ब्लॉग की शुरुआत अपने घर से कर रहा हूँ। और बाकी इधर है भाई शिवानी, इधर है भाई सोनाक्षी। क्या कर रहे हो तुम? ये धो रहे हो बर्तन? स्कूल नहीं आज तुम्हारा? नहीं। क्यों स्कूल क्यों नहीं है? अच्छा तो चलिए भाई मेरा नाश्ता तो हो गया है, बाकी इधर ये बर्तन धो रहे। मम्मी जा रखी है पीठा कूटने क्योंकि आज हमारे गांव में पीठा है, तो मैं अभी चलता हूँ पंचायती चौक में। बाकी अभी अर्जुन भाई का भी फोन आया, जल्दी जल्दी आ जा भले, तो चलते हैं भाई। तो अभी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ भाई परखोली में। इधर परखोली में पीठा कूटा जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो अभी दोस्तों मैं परखोली से जा रहा हूँ सीधे पंचायती चौक यानी कि चौड़ा में, और परखोली में मनीष भाई, इधर ये मनीष भाई का घर है, बाकी पीछे भी भाई का घर है। तो आज मनीष भाई का जन्मदिन है, तो बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाई को जन्मदिन की। भगवान से तेरे उज्जवल भविष्य की मनोकामना करता हूँ। तो जहाँ भी रहे खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। और अभी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ भाई पंचायती चौक में, बाकी इधर दादाजी है, इधर भी दादाजी है। बैठ अचिन, बैठ। और इधर भी दादाजी है भाई, दादाजी आज लगे काम पे। दादा बैठे हैं, इधर भी दादाजी है भाई। और बाकी दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ दूसरे चौक में, यहाँ भी सभी महिलाएं पीठा कूट रही है। बाकी के इधर दादा लोग, इधर भैया, इधर इधर भेजी, इधर बड़ा जी, ये इधर अरसा बनाने की तैयारी करे। इधर चाशनी वगैरह रखी है, जब ये पीठा कूट देंगे उसके बाद यहाँ अरसे बनाने का प्रोसेस होगा भाई। हाँ तस्वीर के खेल तो मिल गया, मुझे तो लगे थे परसों। अजय आयु लिजान बना बताए, चल अणिए नहीं सो। अच्छा अभी दोस्तों मुझे जाना है इस वाले चौक में, बाकी इधर सभी की अपनी गाय बाहर निकाल रखी है। धूप तो नहीं है आज, पर मौसम ठीक है, क्या गर्म भी नहीं है ठंडा भी नहीं है। बाकी यहाँ लगे हैं, छुए लगे हैं, इधर है भाई चाची, इधर है भाभी जी, बाकी इधर लगे हैं सभी पीठा कूटने में। अभी दोस्तों पीठा तो कूटा जा रहा है, बाकी मैं चलता हूँ मेहरबान भाई के घर पर क्योंकि वहाँ लेंटर पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ सभी लोग लगे हैं काम पे, बाकी इधर हमारे ये बिहारी भाई लोग हैं और इधर आज लेंटर डालने की तैयारी। दोस्तों ये है मेहरबान भाई के कमरे और आज पड़ रहा है यहाँ लेंटर भाई। तो अभी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर लेंटर में, इधर है आज लेंटर डालने की तैयारी। बाकी आज गांव में खुशियां ही खुशियां हैं, एक तो मेहरबान भाई का लेंटर है, बाकी विपिन भाई आज पापा बन गया है, विपिन भाई को भी बहुत बहुत बधाई। तीसरी बात आज रंजना का पीठा है, पीठा यानी कि कलियो बनेगा आज अरसा। तो आज 3 दिन खुशियां है भाई गाँव में, और काफी अच्छा लगता है जब गाँव में एक साथ ऐसे खुशियों का माहौल होता है। बड़ा जी है, बड़ा जी भी लगे हैं भाई सुबह से है, चलो बढ़िया है, अब लेंटर पड़ने वाला है। तो अभी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं नीचे वाले चौक में जहां की आज दाल पिसाई हो रही है। तू भी पीस दा, चल
तू पिज्जा यूनियन। आरो आप बीज को गया बीज को होगी बीज घर से अभी मेरे साथ है इधर दादी जी बाकी इधर भी दादी है दादी के हाथ में दूध चाय ना है चाना चना कुटली पिट पिट कुटली हो ना अभी उन दा पिसन हुआ है। तो अभी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ ताल में कि दोस्तों इधर ही पुताई का काम कर रहे हैं झाड़ी पे। हम भी पहले खूब लगाते थे आजकल तो ये हम भी पहले खूब लगाते थे मैं मनीष आशीष बड़े लड़के तो कोई नहीं है बाकी इधर लोकेश भाई है इधर है अपना गोलू भाई बाकी ऊपर है मोहित भाई। तो मैं भी लग जाता हूँ झाड़ी पे क्योंकि मेले का खर्चा निकल जाएगा मेरा। तो अभी दोस्तों मैंने थोड़ा बहुत पैंट लगाया ये देख लो हाथ पूरे खराब हो गए। तो मैं चलता हूँ ऊपर क्योंकि ऊपर अभी कलियो भी बन रहा है तो चलता हूँ मैं सीधे चौक में भाई। अभी दोस्तों चाशनी में पाक बन के तैयार हो चुका है बाकी अब है सभी लोगों की अर्जा बनाने की तैयारी। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं सभी लोग मिलकर अरसे बना रहे हैं भाई। और अभी दोस्तों यहाँ की बात करें बाकी नीचे तो बन रहे अरसे और यहाँ चाचा जी कर रहे हैं पकोड़े बनाने की तैयारी। क्यों पकोड़े बनाएगी आज पकोड़े सब लोगों को बोल देना भाई बिल्कुल सब पकोड़े खाने आ जाने बोलना बता तो कर देनी है। इधर दादाजी बैठे हैं अरसे खेल बस पकौड़ा बना चाहना भाई बाय बाय करो जरा सुन दो नहीं। और ये देख लो दोस्तों गर्मा गर्म अरसे बन के तैयार हो चुके हैं बाकी देख लो इधर लगे हैं सभी अरसे बनाने के। देख लो भाई माँ भी आ गई घास लागे क्या कर ले तू आज हमारे अरसा बनाने वाले भाई इधर है भाई गट्टू इधर है धुमरू इधर है गुंतिया चलो भाई बढ़िया बढ़िया हमारे अरसे तो बनके तैयार हो चुके हैं लगभग लगभग इधर ताऊजी बना रहे हैं दाल के पकोड़े। दाल का पकोड़ा टेस्ट कराओ पहले चले जी एक पकौड़ा टेस्ट कर लेते हैं आप खाओ ना पहले आप कैसे ठीक है अच्छे बहुत अच्छे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इधर दादा जी बैठ रखे अर्ध खेल दू नहीं चाय भी नहीं पत्ते ना चलो मैं ले लू ले आइए कोई चाका गरम गरम गया खावा ना गरम आपको कंजन वाला दादा हर्ष तो बुआर खजूर दे नीवल मिलने क्या बोलता हर्ष भाई हर्षो ओ हर्षो जमती बात चलनी भाई बुना चल चलो बढ़िया बढ़िया बुना चल तू बाहर देगी दी ठीक है क्या ठीक है भाई वेगते कल जाना भाई कल जानो है? और ये देखो भाई ये बना रहा है यहाँ आलू के पकौड़े और सब बनाए ना बस। तो चलिए दोस्तों हमारे अरसे और पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं बाकी अब सभी लोगों को दिए जाएंगे भैया जिन्होंने अरसे बनाए और सब ले जाएंगे अपने घर।
देख लो। तो सभी मांग रहे अरसे पकोड़े, मैं भी मांग लेता हूँ। ये हर सुधिया ले देते भूख ले बल फूल भरा बल आई फूल चलिए भाई मुझे भी मिल गए। अभी दोस्तों हम भी लागे अपने अरसे पकोड़े घर पर इधर माँ के लिए, भाई माँ और सोनाक्षी के लिए। हमने तो उधर ही खा लिए थे थोड़ा बहुत, हो माँ क्या कहनी अर्थ का बखा ले रहे हैं पकौड़े तुम्हारे लिए से पकौड़ती तो अभी दिन। ये दोस्तों अभी हम सीधे भाई पहुंच चुके हैं तालाब में, बाकी इधर है अर्जुन भाई, इधर है सूरज भाई, हेलो हेलो। और अभी ये देख लो इधर भाई ने दुकान खोल दिया सब्जी की। तो क्या क्या है भाई? भाई कॉलीफ्लावर है, बनाना है, पोटैटो है, कैबेज है, ओनियन है, टोमेटो है। हाँ देख लो भाई पूरी सब्जी मिल जाएगी आपको। और ये दुकान स्पेशल मेले के लिए खोली गई है, क्योंकि अब हमारे गांव में 13-14 को मेला है और ये खोली है प्रकाश भाई ने। तो बहुत बहुत बधाई हो प्रकाश भाई की, आप भी बधाई दे सकते हैं कमेंट में। तो आज ये मान के चलो गांव में 3-4 खुशियां ही खुशियां, कोई किसी ने दुकान खोल दी, किसी का लेंटर पड़ गया, ये विपिन भाई का लड़का हो गया और अरसे भी बन गई, तो सब एक साथ हो गया, बहुत बढ़िया जी। अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर पर, बाकी रात भी हो गई है भाई। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, जय श्री राम।